Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. बोला कि
दिल्ली से लोग आए हैं, हमारी रेपुटेशन खराब होगी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको आपकी रेपुटेशन की परवाह है, पर ये जो कर्मचारी 12-12 24 घंटा काम कर रहे हैं, इनकी आपको परवाह नहीं। और अगर इन्होंने अपना काम बंद कर दिया तो ये क्या नगर पालिका में बैठ सकते हैं? गंदगी में कहाँ जाएंगे ये लोग? तो ये एक तरह का बहुत ज्यादा अत्याचार नगर पालिका का बढ़ गया है, जो नहीं होना चाहिए। ये किसी भी तरह से काम करने वाले मजदूरों को ये कीड़े मकोड़ों की तरह ये करते हैं, उनको उनकी जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, आज हम लोगों ने यहाँ धरना मोर्चा किया है, अब हम लोग को जहाँ तक हो सके हम जाएंगे, पर हमको न्याय चाहिए। वो कामगार और उनके प्रतिनिधि की आज मेरे से मुलाकात हुई, उनका कार्यरत ठेके के बारे में आक्षेप था और जो नए ठेका निश्चित करने के लिए ई टेंडरिंग का कार्य प्रणाली हुई उसके बारे में भी उनका आक्षेप है। तो इसकी सविस्तर चौकसी होके सब बातें की तहकीकत होके आगे बढ़ने के लिए अभी जो ठेके का प्रावधान का काम चल रहा है उसको मैंने स्थगित किया है, और ये प्रकरण में अगर कहीं गलत होगा तो उसका री टेंडरिंग करने का भी आदेश मैं डिप्टी कमिश्नर को दिया है। थैंक यू।